हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज हम देखेंगे कंपनी लॉ का 2007 का प्रश्न पत्र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, एक कंपनी में 150 सदस्य थे। कंपनी की एक सामान्य बैठक थी जिसमें कंपनी के सभी सदस्य एवं निदेशक उपस्थित थे। कंपनी की सभा स्थल पर एक विस्फोट हो गया जिसमें सभी लोग मारे गए। कंपनी की विधिक स्थिति की विवेचना कीजिए। सेकंड है, एक व्यक्तिगत कंपनी ने व्यवसाय के दौरान अपने सदस्य संख्या बढ़ाकर 60 कर दी और पूंजी इकट्ठा करने के लिए जनता में अंश जारी कर दिया। कंपनी की विधिक स्थिति की विवेचना कीजिए। अब हम चलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न है वो है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। चौथा है, कंपनी एवं नियम में अंतर कीजिए। पांचवा है, सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। छठा है, सरकारी कंपनी से आप क्या समझते हैं। सातवां है, अधिकारतीत के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आठवां है, याचित पूंजी से आप क्या समझते हैं। नवा है, एक कंपनी में आन्वयिक सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। दसवां है, एक कंपनी की विवरण पत्रिका को परिभाषित कीजिए। ग्यारहवां है, निर्गामी गिरे से आप क्या समझते हैं। बारहवां है, स्थानापन विवरण पत्रिका से आप क्या समझते हैं। तेरहवां है, कमीशन एजेंट और हामीदार से में अंतर कीजिए। चौदहवां है, निदेशकों की अनर्हताओं की विवेचना कीजिए। पंद्रहवां है, लेखा परीक्षक के आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए। सोलहवां है, व्यक्तिगत कंपनी के लाभों की विवेचना कीजिए। सत्रहवां है, कंपनी के पुनर्गठन तथा समामेलन में अंतर कीजिए। अठारहवां है, परिमापक की शक्तियों की विवेचना कीजिए। उन्नीसवां है, अपंजीकृत कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। बीसवां, कंपनी के आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी का जो प्रश्न है, वो है, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, उचित वादों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 22वां है, निदेशक के कर्तव्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। 23वां है, बहुमत के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और इसके अपवादों का उल्लेख कीजिए।